हाय, दिस इज उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर में जितनी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, तो इन सब क्रियाओं में क्या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ऐसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और उत्सर्जन करने में जो अंग भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक है। और इस कार्य को, यानी कि उत्सर्जन को करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र। तंत्र का मतलब आप समझ चुके हैं कि कई सारे ऑर्गन आते हैं ना, कि कई सारे मिलकर काम करते हैं। तो उस मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क या किडनी कहते हैं इसे। आम बोलचाल की भाषा में गुर्दे भी बोलते हैं ना। तो आप सारे नाम आपको बता दिए। उसके कितने होते हैं? दो होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? दो किडनीज होती हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है? बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। और ये किस रूप में निकलते हैं? यूरिया के रूप में। ठीक है। यूरिया के साथ साथ और क्या होता है इसमें? वाटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जो और क्या हो जाएगा? सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सब। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे आगे। ये देखिए, ये है हमारा उत्सर्जी तंत्र, है ना। उत्सर्जी तंत्र में क्या है? वृक्क हैं और कई सारे ये अलग अलग वो स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब देखेंगे हम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र में मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, आपको ये बता दें और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वृक्क हैं दो। ठीक है, ह्यूमन बींग में कितने वृक्क होते हैं? दो किडनीज होती हैं, ये दाईं और ये बाईं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम जो मेन उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। वृक्क, या इसे क्या कहेंगे? किडनी। क्या कहेंगे? किडनी। ठीक है, उसके बाद आएगा आगे ये जो पतली सी नलिका गई है, ये इसे क्या बोलते हैं? यूरीटर। क्या बोलते हैं? यूरीटर। ठीक, उसके बाद देखेंगे ये, इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ओके, उसके बाद ये क्या है? यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड आता है, ठीक है, ये धमनी के द्वारा ब्लड आता है कहाँ? वृक्क में या किडनीज में। जो ब्लड आता है उसमें यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करे जाते हैं? इसके अंदर, किडनी के अंदर यूरिन के फॉर्म में चेंज कर दिए जाते हैं। और जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज दिए जाते हैं शिरा के द्वारा। ठीक है, तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है? ये इस नलिका में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? यूरिटर। उसके बाद कहाँ जाता है? ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ कलेक्ट हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। फिर टाइम टू टाइम जब अर्ज होती है तो ये यहाँ से पास आउट होता रहता है यूरिन। आगे बात समझ में। और यूरिन के साथ क्या क्या होता है? वाटर भी होता है। ठीक है, यूरिन में क्या क्या होता है? वाटर होता है, यूरिया होता है, और क्या होता है? सम सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखेंगे जो, अब ये प्रोसेस होती कैसी है? अब हमने आपको बता दिया यहाँ ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जो हमारी ये किडनी का, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका जो आउटर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? वल्कुट। क्या बोलते हैं? वल्कुट। और जो ये इनर वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ये पार्ट जो है उसे क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक, उसके बाद ये कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे
वो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है? इकाई है किडनी की, क्या है? इकाई। एक नेफ्रॉन में 10 लाख लगभग, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको इस डक्ट में ले आते हैं। जित बहुत सारे वो होते हैं नेफ्रॉन्स, तो सारे नेफ्रॉन्स इस डक्ट से जुड़े होते हैं। और ये डक्ट में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, यूरिया होते हैं, उसको यहाँ पर इस नलिका में ला देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूरिटर। और यूरिटर से कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आता है? यूरिथ्रा में। कहाँ जाता है? यूरिथ्रा में। और ऐसे बॉडी से बाहर हो जाते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो ब्लड स्ट्रीम में वापस चले जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब तो ये हमने आपको समझा दिया कि ये होता कैसे क्या है, लेकिन अब आपको ये अलग से क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन की संरचना समझाइए, है ना, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म बताइए कैसे होती है ना। तो इसके लिए अब आपको आगे पढ़ाए रहे यहाँ तक। ये देखिए, ये है नेफ्रॉन। क्या है नेफ्रॉन? ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनीज में, और वो काम ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को अलग जगह कलेक्ट कर देते हैं। यूरिटर में चला जाता है, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है बॉडी के। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, ये देखेंगे हम, ये हमारी ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में एक धमनिका खुलती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। इसका जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है। कैसा होता है? ज़्यादा। और ये ब्लड लाती है, है ना, अभी आपको बताया ना, ब्लड लेके आती है सर पर। इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं। उसके बाद ये जो आगे चलकर ये छोटी छोटी केशिकाओं में ब्रेक डाउन हो जाती है ना, विभाजित हो जाती है। उसके बाद फिर आगे चलकर ये फिर एक धमनिका का रूप ले लेती है, इसे फिर क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका। और जो अभिवाही धमनिका उसका व्यास ज़्यादा होता है, और अपवाही का देखिए कम है, पतली है, ये थोड़ी मोटी, ठीक है। तो और जो बीच में जो है क्या है? केशिकाओं का गुच्छा है। तो जब ब्लड आता है वो अभिवाही धमनिका के द्वारा ब्लड जब आता है और यहाँ केशिका गुच्छ में आता है, उसके बाद जब ये ब्लड निकलता है इसका व्यास ज़्यादा होता है अभिवाही धमनिका का और अपवाही का कम होता है, तो प्रेशर बन जाता है। और जब प्रेशर बनता है तो उससे क्या होता है? ब्लड जो होता है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें जो ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। वो फिल्टर होके कहाँ आ जाता है? बोमेन कैप्स्यूल में। कहाँ आ जाता है? बोमेन कैप्स्यूल में। तो इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? जो यूरिन फॉर्मेशन की वो होती है मैकेनिज्म, उसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं इसे? परानिस्यंदन। तो पहली ये स्टेप ये होती है। तो इस फिल्टर के अंदर जो ये फिल्टर होता है सब्सटेंसेस, इसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, ठीक है, और आयंस होते हैं। तो बहुत सारी होते सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल भी, हार्मफुल्स भी, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या कैसे सब्सटेंसेस को निकालना है? हार्मफुल सब्सटेंसेस को, इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं। उसके बाद जब ये फिल्टर आगे बढ़ता है तो ये देखिए, ये वाली जो नलिका है ये समीप है इसके वोमेन संपुट के, तो इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। और ये वाली क्या है? दूर है इससे, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो यू शेप की नलिका है उसे क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो जब ये फिल्टर आता है इन ट्यूब्यूल्स में, तीनों तरह के ट्यूब्यूल्स में, तो क्या होता है? ये ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं वो यूजफुल सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज को, है ना, कुछ वाटर को क्या करती है? रीअब्सॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीअब्सॉर्प्शन। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, ठीक, जो इसमें पढ़ते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म में। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? किसको एब्जॉर्ब कर ले? यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती इनकी सेल्स, ठीक। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि जो ये केशिकाएं जुड़ी होती हैं, इन केशिकाओं, ये केशिकाएं क्या करती हैं? इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये
फिर से हमारे रुधिर प्रवाह में वापस पहुंच जाते हैं ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इस संग्रह नलिका में आके कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर ये कहाँ, ये संग्रह नलिका ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का भाग नहीं, अभी आपको पढ़ाया था हमने जब किडनी वाला तो बताया था, स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको ज़रा, ये बताया था बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं वो इस नलिका से जुड़े होते हैं, इस डक्ट से जुड़े हैं, तो जितने भी नेफ्रॉन्स से हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं वो यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्ट होने के बाद इस ये क्या है यूरिटर में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूरिटर में आने के बाद इसमें कलेक्शन हो जाता है इनका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ जाते हैं यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा से पास आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, आगे बात समझ में। और जो यूरिन होता है यूरिन में यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है, सम वाटर होता है और कुछ आयंस होते हैं, यहाँ तक कि सॉल्ट्स होते हैं कुछ। ठीक, उसके बाद देखेंगे, यहाँ तक की बात समझ में गई। अब उसके बाद अब आगे जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की किडनीज जो हैं वो सही से फंक्शन नहीं करती हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया या ब्लॉकेज हो गया, तो उस टाइम क्या होता है जो हमारी बॉडी में जो इतनी प्रोसेस होती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी में बन जाते हैं लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, बॉडी से निकल नहीं पाते, वो बहुत ही ज़्यादा हैजार्ड हो जाता है हमारे लिए ना, बहुत मतलब घातक कंडीशन है। आगे बात समझ में, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इस जब किडनी वर्क नहीं करती है हमारी नेचुरल, तो आर्टिफिशियली इसको क्या ब्लड को प्योरीफाई कराया जाता है, ब्लड का प्योरीफिकेशन कराते हैं, फिल्टर करते हैं ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस उनको निकालते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, डायलिसिस के थ्रू। अब डायलिसिस क्या होता है इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, जैसे जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो पेशेंट है पेशेंट की जो धमनी होती है उसको इस डायलाइजर मशीन से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो धमनी से क्या आ रहा है ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में क्या यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, और ये पूरा जो चैम्बर है वो हमारी किडनी के तरीके काम करता है, जैसे हमारी किडनी के अंदर वो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में बहुत ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो ये सब ट्यूब्यूल्स उसी की तरह काम करती हैं, इसका लिक्विड जो होता है वो भी किडनी में जो होते हैं वो सब होते हैं, मतलब कुल मिला के ये जो आर्टिफिशियल मशीन है ये क्या काम करती है, ये मशीन क्या काम करती है, किडनी आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं, तो ये क्या काम करती किडनी के तरीके काम करती है, इसमें सारे मतलब सब्सटेंसेस वो होते हैं सारे लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारी नेचुरल किडनी में होते हैं। आगे बस में, तो ये क्या होता है ब्लड लेके आता है और इस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, तो यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ये ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है ट्यूब्यूल के थ्रू वो फिल्टर होने के बाद, पहले ये फिल्टर होते हैं ब्लड भी अंदर आपको जैसे अभी बताया था नेफ्रॉन वाले डायग्राम में ना पूरा समझाया था, तो इसमें क्या होता है जब ब्लड आता है इन ट्यूब्यूल्स में उसके बाद जो आयंस होते हैं सम वाटर और यूरिया वो सब इस सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब क्या होता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू वापस वेन के थ्रू कहाँ चले जाते हैं बॉडी में, इस तरह से ब्लड हमारा क्या हो जाता है फिल्टर हो जाता है आर्टिफिशियली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं आपको वो सब सॉल्व करने हैं टॉपिक के, वो मैच करा देंगे, और आपको मॉडल पेपर भी करना है जो ब्लड और एक्सक्रीशन वाला मॉडल पेपर है। ठीक है, परिवहन एवं उत्सर्जन वाला मॉडल पेपर भी कर लेंगे, आपको हम मैच करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस दैट्स ऑल।